अस्सलाम वालेकुम सर शाहिद, आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हम 10 चैप्टर से 4 क्वेश्चन आपको ऐसे करवाएंगे जिसमें से आपके 2 क्वेश्चन यानी कि 2 पार्ट्स आपके एग्जाम में इंशाल्लाह लग जाएंगे। सबसे पहले इस सिलसिले में 10.2 से क्वेश्चन नंबर 20 है और याद रहे कि आपके पास एक 20 है और एक 21 है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन उनको 20 क्वेश्चन जरा ज्यादा पसंद आता है और पसंद का इजहार यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2001 में, 4 में, 6 में, 9 में और 17 में बहुत ज्यादा आया और मैंने कहा है कि हम जहाँ से 20 ईयर से देखते हैं तो वहाँ कई मिस्टेक्स भी होती हैं, कई बार ये आया होता है और लास्ट क्वेश्चन होता है तो 20 ईयर 10 ईयर्स के अंदर ये ड्रॉप भी कर देते हैं क्वेश्चन और कुछ हमारी तरफ से भी देखने में 19-20 हो जाता है। बहरहाल दोनों तरफ मसला एक जैसा। इस क्वेश्चन में आपको 2 फॉर्मूले आने चाहिए, फिर कोई मसला नहीं। वो 2 फॉर्मूले मैं आपको बता दूं, एक फॉर्मूला उसमें से हमने एक साथ लिखा है, ये नोट कर लें कि ये फॉर्मूला आपको याद होगा तौ आप ये क्वेश्चन फौरी तौर पे कर लेंगे। और कैसे करेंगे कि पहले बात तो ये नोट करनी है कि बुक मैंने यहाँ पे साइन की मिस्टेक है, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस है। दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है कि ये 20 क्वेश्चन है, इसका एक लेफ्ट है और एक राइट है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है और लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद हमें राइट हैंड साइड बनाना है, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ पे लिख लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। फिर एक साथ दोनों फॉर्मूले लिख दें, कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, और अगर माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब हमने ये बताना है कि भाई यहाँ पे कॉस ही का लग रहा है फॉर्मूला, लेकिन प्लस के लिहाज से या कॉस का माइनस के लिहाज से, लेकिन दोनों जगह अल्फा की जगह थीटा आ रहा है और हमने यहाँ पे थीटा नोट कर लिया और बीटा जो है वो फाई के बराबर आ रहा है, हमने वो नोट कर लिया। फिर इस फॉर्मूलो को हमने 2 बार अप्लाई करना है, एक हमने प्लस के लिहाज से ब्रैकेट में अप्लाई किया है, यही चीज हमने की है, प्लस था तो यहाँ पे माइनस आ गया, एक बार ये और दूसरी बार ये आ गया। ये से मुराद हमारे पास फॉर्मूले के मुताबिक यानी कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई, और यही चीज सेम टू सेम है, बोलना बेकार है। जैसे यहां आया सिर्फ ये है कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ बीच में प्लस साइन है, बाकी आप समझ सकते हैं आपके सामने। फिर यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, जो कि अर्श से दराज से बराबर है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब यहाँ पे ए जो है वो इसके इक्वल है, हमने यहाँ पे दिखा दिया, और बी जो है हमारे पास जो है, और यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कि यहाँ पे अल्फा नहीं बल्कि ये ए है और यहाँ पे ये बी है, तो ए जो है वो इस पूरे के इक्वल, बी जो है इस पूरे के इक्वल, इसी तरह इधर इधर भी। अब हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना, यानी इस प्रोडक्ट के साथ हमने इसे इस फॉर्म में सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लिख देना है, जैसे कि फॉर्मूला। तो एक बार हमने ए की जगह उसकी वैल्यू रख के स्क्वायर कर दिया, फिर दूसरी बार बी की वैल्यू रख के स्क्वायर कर दिया, अब ये स्क्वायर इन दोनों पे सेपरेट करके हमने लगाया, इधर भी, ये थीटा है ये फाई है, ये साइन स्क्वायर थीटा है ये साइन स्क्वायर फाई है। अब यहां आने के बाद थोड़ा सा हमने स्टेल होना है और हमने देखना है कि राइट हैंड साइड पे जो शक्ल आ रही है इसकी, ये वाली जो लेके आ रही है हमें प्रूफ दैट में, इसमें क्या है कॉस स्क्वायर थीटा है, तो हमने ये क्या करना है कि इन दोनों में से देखना कॉस स्क्वायर थीटा कौन सा है, ये वाला है, इसे टिक कर लेना है, जहन के अंदर करना है, समझाने के लिए कर रहा हूं। आगे क्या है माइनस साइन स्क्वायर फाई, तो साइन स्क्वायर फाई को भी टिक कर लिया। अब ये दोनों हमें नहीं चाहिए, इन्हें हटा देना है, और हटाना किससे, वही जो हमारा मैट्रिक्स से चलता हुआ फॉर्मूला आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहां से हमने किसको हटाना है, ये हमें गाइड करेगा कि भाई ये चाहिए बाकी नहीं चाहिए। अब कॉस स्क्वायर थीटा हमने यहाँ पे रोक लिया है, कॉस स्क्वायर फाई की जगह ये फॉर्मूला लिखते हुए
हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर में चेंज कर देना है। और इसी तरह वो कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा भी मुझे नहीं चाहिए, तो उसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख देना है। और वही हमने किया जो वो चाहता था, कॉस स्क्वायर थीटा मौजूद है जो कि यहां से हमारे पास है, और इसकी जगह हमने रिप्लेस करके ये वैल्यू रखी। इसी तरह यहां से इसको हमने रिप्लेस करके इसकी जगह ये वैल्यू रखी, कॉस स्क्वायर थीटा बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, ये आया। और से देख लें इसको, फिर माइनस और साइन स्क्वायर फाई के साथ हमने अंदर मल्टीप्लाई किया 1 से, तो साइन भी चेंज हुई है, साइन स्क्वायर फाई आया, माइनस माइनस प्लस है, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई आया। अब मैं पहले मैंने नहीं काटा, आपके सामने काटूंगा, अच्छा लगेगा, मजा आएगा। इन दोनों को काट दिया हमने, काटने के बाद वही बचा जो कि उसकी ख्वाहिश थी, तो वो तो खुश हो गया कि वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। कॉस स्क्वायर थीटा ये रहा, साइन स्क्वायर माइनस के अंदर ये रहा, राइट हैंड साइड आ गई, तो काम प्रूफ हो गया। तो देखें हमने आपको थोड़ी सी देर के अंदर ये क्वेश्चन समझा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह हम आगे भी आपको इसके अलावा 3 और समझाएंगे, और फिर देखिएगा इंशाल्लाह आपके पेपर में 4 बताएंगे, 3 उसमें से आने के चांसेस हैं, नहीं तो 2 तो आ ही जाएंगे। तो सच्चाई को इजाजत दीजिए, टेक केयर, अल्लाह।